कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर अगर हम बात करें तो ये हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो सारी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हैं। इसमें अगर हम देखें तो मेन हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास टू जो है डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है ये क्रिएट क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी डाइट में यानी कि ऑयल का अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से जो आर्टरीज़ होती हैं, हमारे जो हर्ट होता है उसमें जो आर्टरीज़ होती हैं उनकी उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। उस ब्लॉकेज की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी सी यानी कि डिसमिस हो जाती है, थोड़ी सी यानी अप डाउन हो जाती है। उस ब्लड सप्लाई के अप डाउन होने की वजह से अगर तुम्हारे हार्ट वगैरह को ब्लड नहीं मिल रहा प्रॉपरली तो हार्ट के टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, या तो फिर ये होता है कि इस तरह की डिजीज़ क्रिएट हो जाती हैं, हमारे जो आर्टरीज़ होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, या फिर ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, थिकेंड हो जाती हैं। तो इस यानी कि अब ये जो डिजीज़ हैं अगर इनमें देखें तो हमारे पास सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस है। अब ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये होती क्यों है? असल में जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये आर्टरीज़ की डिज़ीज़ है। इस डिज़ीज़ में आर्टरीज़ जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं, यानी कि तंग हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है इसके सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो मेल में अक्रेंस की होते हैं, कि ये मेल में ज़्यादातर होगी एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। यानी कि फीमेल में इतने इसके चांसेस नहीं होते जबकि मेल्स में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस मेल में ज़्यादा होती है। और दूसरी बात ये कि जब हम 75 ईयर्स की एज को क्रॉस कर जाएं उस वक्त मेल और फीमेल में इसके चांसेस इक्वल हो जाते हैं, कि अगर 75 ईयर्स की एज प्लस हो गई है तो उस वक्त मेल और फीमेल में इस डिज़ीज़ के चांसेस इक्वल हो जाते हैं। बिलो दिस एज मेल और फीमेल में इसके चांसेस वेरी करते हैं। अब अगर हम देखें तो एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस में यानी कि पहले भी बात की कि ये आर्टरीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इनमें रुक जाती है। अब होता ये है कि वो पीपल, ऐसे लोग जो कि अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ऑयल लेते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उस वजह से ये होता है कि जो आर्टरीज़ होती हैं इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से, लिपिड्स की अमाउंट बढ़ने की वजह से होता ये है कि आर्टरीज़ के अंदर एक मटीरियल बन जाता है जिसको प्लॉक मटीरियल बोलते हैं। वो प्लॉक मटेरियल जो है आर्टरीज़ के अंदर यानी जमा होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कुछ इस तरह से तो वो ये है, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक आर्टरी है। इस आर्टरी के अंदर कहीं पे भी अगर हम ये इस तरह से कर लें तो ये अगर हम बात करें तो ये इस तरह से एक मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो गया, जिसे बोलेंगे हम प्लॉक मटेरियल। अब देखें, पहले अगर हम देखें तो ब्लड जो था वो यहाँ से आ रहा था और इजीली पास कर रहा था। अब हुआ क्या? वो ये हुआ कि अब ब्लड आ रहा है, अब उसका रास्ता यहाँ पे तंग हो गया। अब वो क्या करेगा कि जाहिर सी बात है जगह ढूंढेगा फ्लो करने के लिए। यहाँ पे प्रेशर जब तेज़ होगा तो आर्टरीज़ के फटने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आर्टरीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं इसकी वजह से, कि वहाँ पे प्लॉक मटेरियल बहुत ज़्यादा यानी डिपॉजिट हो जाता है। अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें पता लगता है कि ये चीज़ इस तरह से। अब अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे देखें तो आर्टरीज़ का जो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा नैरो हो गया, तो ब्लड को उतनी ही यानी मुश्किल होगी फ्लो करने में। तो ये सारा सीन जो है ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में। अब अगर हम देखें तो ये इस वक्त ये जो सिचुएशन बनी हुई है, जो ब्लड यानी कि ब्लड का जो क्लॉट है ये बना हुआ है अंदर, जो प्लॉक मटेरियल बना हुआ है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बस। अब अगर ये डिसलोक हो जाए यानी कि फ्रीली मूव करना शुरू कर दे तो वो इम्बोलस हो जाएगा, यानी कि इम्बोलसिंग हो जाएगी कि वो फ्रीली अब जो मूव करना शुरू हो गया। अब जब वो आगे जाएगा तो वो हमारे डिफरेंट यानी हार्ट को भी नुकसान पहुंचाएगा, डिफरेंट किस्म की आर्टरीज़ को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो ब्लड तो पम्प करेगा पर हमारी पूरी बॉडी तक प्रॉपरली ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड पहुँच नहीं पाएगा। तो ये सारा जो है ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, कि आर्टरीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं। उसके बाद आती है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? अगर तो हम एथेरोस्क्लेरोसिस को ट्रीट ना करें प्रॉपरली, यानी इसके हम ट्रीटमेंट ना करवाएं प्रॉपरली, इसको वैसे ही रहने दें, यानी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवा के हमने उसको छोड़ दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया, इसकी वजह से भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस
और एथेरोस्क्लेरोसिस में एक बहुत ज़्यादा वाइड एंड डिफरेंट है वो ये कि एथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज की वॉल जो है वो नैरो होती हैं, जबकि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में ये होता है कि जो आर्टरीज की वॉल होती हैं वो हार्डेंड हो जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। अब इसमें ये है कि जो पर्सन होते हैं उनमें यानी आर्टरीज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, प्रेशर जो है ब्लड का बढ़ जाता है। तो ये होता है इसी वजह से कि अगर हम एथेरोस्क्लेरोसिस को हमने नॉर्मल रखा हुआ है जो ठीक है वो हो जाएगी क्योर, उसको ऐसा मसला नहीं है, पर होता यह है कि अगर एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ती रहे तो उसकी वजह से भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डिज़ीज़ है और एथेरोस्क्लेरोसिस भी बहुत ही ख़तरनाक डिज़ीज़ है। तो ये सारे जो हैं ये तो इसके यानी फीचर्स हो गए। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये एक ये है कि अगर हम देखें एथेरोस्क्लेरोसिस को और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को, एथेरोस्क्लेरोसिस में जो ब्लड सप्लाई है वो भी ज़ाहिर सी बात है होती तो है, क्रिएट तो होती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में ब्लड सप्लाई होती है। अब बताना ये है कि क्या एथेरोस्क्लेरोसिस में ब्लड सप्लाई जो है वो रुकती है या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में ब्लड सप्लाई रुकती है, यानी ब्लड सप्लाई में मेन डिफरेंस इन दोनों में से किस में आता है। एंड आई होप कि आप उसका आंसर जरूर देंगे। ओके, थैंक्स।